सर आपका नाम? मेरा नाम सरफराज चौधरी। आज की डेट में हमारा मेंडर से फार्मर्स का एक सैकड़ों जो फार्मर्स हैं वो एक वफद है जो वो एनिमल हस्बेंड्री चीफ साहब को मिला। हमारी यहाँ मेंडर की कुछ चंद मुश्किलात को लेकर हमने ये फैसला किया कि हमारे वहाँ लोकल जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो हमें मुश्किल आ रही हैं, वो चीफ साहब को बताया जाए ताकि हायर अथॉरिटी को थोड़ा इनकी चेयर से इन्फॉर्म किया जाए, उनको थोड़ा सा हलाया जाए कि ये जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही हैं उनका कुछ ना कुछ शॉर्ट आउट हो, वो सॉल्व हो। जिसमें नंबर एक ये है कि हमारे वहाँ गुज़रे दिनों हमारा वहाँ एक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो लोकल स्टाफ था उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके 50-60 किलोमीटर की दूरी पे फेंका गया, और हमारा जो वहाँ फार्मर्स है वो इससे बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। और लोकल जो स्टाफ था हमारा, उसकी वजह से हम सुबह शाम हमारे काम आया करता था, सुबह शाम हम उनसे काम लिया करते थे। और इसमें डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटी को क्या प्रॉब्लम बनी, डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी को क्या इसमें ये बेहतरी लगी कि उन लोगों को वहाँ से फेंक कर दूर दराज एरिया जात में फेंका गया। हालांकि इस डिपार्टमेंट के अंदर एनिमल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर स्टाफ की पहले ही से बहुत बड़ी शॉर्टेज है, यहाँ स्टाफ कम है, और ऊपर से एक और प्रॉब्लम किसानों पर थोप दी गई जो जिन लोगों से हम काम लिया करते थे उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूर दराज फेंका गया। ये आज की डेट में हमने रिटर्न में एक मेमोरेंडम भी यहाँ चीफ एनिमल हस्बेंड्री को दिया है कि आप बराए मेहरबानी इस प्रॉब्लम को लेकर हायर अथॉरिटी को लिखें। दूसरे हमारा ये था कि आज इस डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट की डिफरेंट जो स्कीम है उन स्कीमों के अंदर किसानों के फ़ायदा होना था, और जिसमें हमारी ये पिछले कुछ सालों से IDDS एक स्कीम चल रही है। बदकिस्मती ये है कि IDDS स्कीम है जो पिछले 2 साल से टोटली वो नॉन फंक्शनल पड़ी है। IDDS के अंडर पिछले 2 साल में मैं कहूंगा कि पुंछ के अंदर जितने यूनिट लगने चाहिए थे, इस स्कीम के अंदर जितने किसान इंटरेस्टेड थे उतना डिपार्टमेंट कामयाब नहीं हो पाया। उतने यूनिट हैं जो वो फार्मर्स को नहीं दिए गए। हालांकि 2021 से लेकर 2021-22 में फार्मर्स ने जो फॉर्म है वो अप्लाई किए हैं, लेकिन आज तक उनकी अप्रूवल है जो वो नहीं आई। बदकिस्मती 2023-17 मार्च को एक अप्रूवल यहाँ के फार्मर्स को दी जाती है, और वहाँ ये टाइम फिक्स किया जाता है कि आप 6 दिन के अंदर ये जानवर यहाँ लेके आएँ। वो अप्रूवल 20-20 जानवरों का था, वो अप्रूवल 25-25 जानवरों का था। 20-25 जानवर खरीदने के लिए फार्मर्स को 30-35 लाख रुपए का अरेंज करना है। वो 30-35 जानवर खरीदने के लिए फार्मर्स को कहीं एक जगह तो बंद है नहीं कि वहाँ से वो खोल के ले आएगा, वहाँ वो मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करना फार्मर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये कहूँगा कि ये जो स्कीम है ये पिछले 2 साल से टोटली नॉन फंक्शनल है। ये भी हमने चीफ साहब को बताया। अब इसके बीच एक ब्रीड के लिए, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है RGM। इसमें ब्रीड के लिए एक और स्कीम है जो किसानों के लिए यहाँ ब्रीड तैयार करने के लिए ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक इतने फार्मर्स इसमें इंटरेस्टेड होने के बावजूद अभी भी ये स्कीम यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ये भी हमने चीफ साहब को बताया कि ये आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी ये स्कीम है, बराए मेहरबानी ये यहाँ मैंने ये चीफ साहब से ये बात की कि हमारे जो ये सैकड़ों किसान यहाँ आए हैं, यहाँ से 50% किसान हैं जो वो RGM में यूनिट लगाना चाहते हैं। बदकिस्मती ये है कि ये डिपार्टमेंट की कमी होने के बावजूद, डिपार्टमेंट को अवेयरनेस ना होने के बावजूद वजह से ये जो सिस्टम है ये धर्म भरम है। हालांकि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ने HADP ये अवेयरनेस कैंप पंचायतों में कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो यूनिट लगाने वाले लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के साथ चल
चलने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है भी है वो एक हवाई रास्ते से चल रहे हैं, उनको सही ठिकाने पर लेके जाने वाला कोई नहीं है। हमारी ये चीफ साहब से ये 2-3 पॉइंट पर आज का ये वफद मिला, हमारी ये मीटिंग हुई कि ये जो स्टाफ की प्रॉब्लम है ये सॉल्व की जाए, ये जो IDDS अप्रूवल पिछले 2 साल से ये नॉन फंक्शनल है इसको सॉल्व किया जाए, ये RGM जो है ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारा जितना तावन होगा किसानों का हम रेडी हैं, लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा इसमें अलर्ट हो जाए। एक सर मेन चीज़ क्या कि मैं इजाज़त चाहूँगा कि मेंढर में हमारा जो पोल्ट्री है वो टोटली नॉन फंक्शनल है। ये पिछले दिनों हमने एक वफद है जो वो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को जम्मू में हमने उनसे हम मिले और उन्होंने हमें 5 दिन का ये टाइम दिया कि 5 दिन में ये पोल्ट्री है जो वो 100% है जो फंक्शनल हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि आज 5 महीने गुजरने के बाद आज भी मेंढर का जो सिस्टम ये पोल्ट्री का है ये टोटली नॉन फंक्शनल है। ये तमाम पॉइंट है जो हमने चीफ साहब के सामने रखे हैं, तो चीफ साहब ने ये यकीन दानी कराई कि कुछ अरसे के अंदर अंदर ही ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये सॉल्व की जाएगी। मैं इसी पर इजाज़त चाहूँगा।